पीएम नरेंद्र मोदी ने 85,000 करोड़ की लागत से रेल परियोजना का वर्चुअली शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 85,000 करोड़ रुपए की लागत से रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल रेलवे स्टेशन से इस कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश के ध्येय वाक्य के साथ देश के विकास के लिए रेलवे का विकास महत्वपूर्ण आधार प्रदान कर रहा है। हम सबका सौभाग्य रेलवे की आज बहुत सारी सौगात है। यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश में खजुराहो से दिल्ली तक की नई वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन का आज शुभारंभ हुआ है। भोपाल रामगंज मंडी सीताराम नगर से एक नई रेल लाइन का भी आज लोकार्पण हुआ है। लगभग 15,000 करोड़ के काम हमारे रेलवे के चल रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, खासकर मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज हमारी कई सौगातें मिली। हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे मंत्री माने विश्वास सारंग जी, यशस्वी विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, महापौर जी, हमने सबने मिलकर के रेलवे का ये पूरा कार्यक्रम अटेंड भी किया और विभिन्न अलग अलग प्रकार के 33 स्टेशनों पर होने वाले अलग अलग निर्माण कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन में शामिल हुए। मैं एक बार फिर रेल मंत्री का और भारत सरकार का आभार मानता हूं। सरेला विधानसभा और भोपाल के लिए एक बड़ी सौगात लोकार्पित होने वाली है। सालों से लाल घाटी से नेवरी गांव होते हुए संजीव नगर और उसके बाद एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को लेकर बहुत बड़ी समस्या थी। आर्मी के क्षेत्र के बीच से रोड की मांग लंबे समय से चल रही थी। 2008 से भी मैं इसके लिए लगातार प्रयास कर रहा था, क्योंकि इस रोड के बनने से करोड़ क्षेत्र नरेला विधानसभा के लोगों को तो फायदा होना ही था, संपूर्ण भोपाल के नागरिकों को एयरपोर्ट पहुंचने की एक वैकल्पिक सड़क भी मिल रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।